दिल्ली में रोडरेज के एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम के एक ड्राइवर की हत्या के विरोध में डीटीसी बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सड़कों से बसें नदारद हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन होने के कारण यह परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। सड़कों पर भारी भीड़ है और लोग बसों के इंतज़ार में घंटों खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। फीडर बसों के जरिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और मेट्रो स्टेशनों पर भी खासी भीड़ है। ऑटो रिक्शा के लिए मारामारी हो रही है। डीटीसी के ड्राइवरों ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा नहीं होती, वे अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में डीटीसी की बस की एक बाइक से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवार ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हमें तुगलकाबाद जाना था, हमारे पास 15 रुपए था, 15 रुपए का मैं टिकट लिया, लेकिन यहाँ पे गाड़ी रोक दी। अब मैं कैसे जाऊँ तुगलकाबाद? हम इटा से आ रहे थे और वहाँ जा रहे थे लाल किला। तो क्या दिक्कतें आई? यार दिक्कत आई, दिक्कत क्या आई, बस नहीं रोक दी। कोई बस नहीं चल रही है? कोई नहीं चल रही है, कोई बस नहीं मिल रही, कोई नहीं चल रही है। सर मैं आनंद विहार से बदरपुर जाने वाला था, मेरे जेब में 20 रुपये था, मैं टिकट काटा हूँ, 5 रुपये वापसी भी देना था, लेकिन यहाँ से मेरे को बदरपुर जाने के लिए पैसा नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ? मैं लक्ष्मी नगर से बैठा था अपोलो के लिए, उन्हें 85 रुपये वापस देने थे, उसने पैसे ही नहीं दिए और ड्राइवर भाग गया। मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर, मैं उतने पैसे लेके चला था ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी करके वापसी भी जाना है मुझे, जो अब मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।